नमस्कार, डाउन द मेमोरी लेन प्रोग्राम के नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच हैं एसीपी श्री स्वदेश प्रकाश जी, जो एसीपी शालीमार बाग हैं और इस महीने रिटायर होने जा रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। कैसा फील कर रहे हैं आप आके? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं सर। शुरुआत करेंगे आपके इंट्रोडक्शन से, आप बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और किस चीज़ ने आपको दिल्ली पुलिस में आने के लिए मोटिवेट किया? मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। मेरी स्कूलिंग सेंट्रल स्कूल टैगोर गार्डन से हुई और मैं नॉर्थ कैंपस के हंसराज कॉलेज से पास आउट हुआ। और कॉलेज की पढ़ाई के दौरान मैं एनसीसी इंचार्ज था और आर्मी के साथ मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए, बेसिक लीडरशिप, एडवांस लीडरशिप के कोर्सेज ऑल ओवर इंडिया किए और एनसीसी का बी और सी सर्टिफिकेट हासिल किया। और जब मेरा और जो आर्मी की ट्रेनिंग थी, इसने मुझे प्रेरित किया यूनिफॉर्म जॉब्स में आने के लिए। और जब मेरा स्टाफ सेलेक्शन के कमीशन के थ्रू सिलेक्शन हुआ तो मुझे बहुत खुशी हुई। उसके बाद से मैं दिल्ली पुलिस का पार्ट हूँ। 1989 से मैं दिल्ली पुलिस का पार्ट हूँ। सर, आपने बताया कि 1989 आप दिल्ली पुलिस परिवार का हिस्सा बने, तब से लेकर सर अब तक का टेन्योर आपका कैसा रहा? बहुत ही खूबसूरत सफ़र रहा, बहुत ही चैलेंजेस आए, बहुत ही सीखने को, बहुत कुछ सीखने को मिला। और मेरे ख्याल पुलिस से बड़ी चैलेंजिंग जॉब्स नहीं हो सकती। सब इंस्पेक्टर पीरियड में हम लोग जहाँ जहाँ रहे, चौक इंचार्ज रहे, फिर SHO रहे, ऑपरेशंस में रहे, क्राइम में रहे, हर जगह पर एज ACP ऑपरेशन रहे। अब ACP शालीमार बाग हूँ, हर रैंक पे, हर पोस्टिंग में नई नई चीज़ें आई, नए नए चैलेंज और नए नए लोगों से वास्ता पड़ा। सर, लगभग 34 साल की आपकी नौकरी होने जा रही है और मैं बात करना चाहता हूँ आपसे बदलाव की, चेंजेस की, जो दिल्ली पुलिस सिस्टम में आपने तब के दौर में और आज के दौर में आपने फेस किए हैं। बहुत बदलाव देखे, बहुत बदलाव का पार्ट हम हैं। जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था तो टेक्नोलॉजी इतनी सोफिस्टिकेटेड नहीं थी, इतनी अपडेटेड नहीं थी, मोबाइल नहीं थे, CCTV नहीं थे और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट इतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन आज की डेट में हर जनरेशन के साथ एक नई टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिल रहा है हमें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंटरनेट से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें जो हमारी पुलिसिंग को और ज़्यादा प्रोफेशनल बनाती हैं और हमें सोसाइटी में क्राइम को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। सर, आपने बताया कि आपने फील्ड में काफ़ी समय दिया है, आप SHO भी रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं सर, इतने लगभग 3 दशक से ज़्यादा की नौकरी में कोई ऐसा स्पेसिफिक कोई चैलेंजिंग टास्क आपने फेस किया हो और आप हमसे साझा करना चाहें? यस, हम लोगों ने एक वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की पोस्टिंग में काकू नाम के बच्चे की किडनैपिंग हुई थी, उसके लिए पूरे नॉर्दर्न इंडिया में टीमें गई थी, हम भी उसका पार्ट थे। उनके क्रिमिनल्स को हमने गाजियाबाद से ट्रेस किया था और बच्चे की फिर बाद में बॉडी रिकवर हुई थी। वो मेरे करियर का बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था। इसके अलावा इंस्पेक्टर पीरियड में मैं कालकाजी में था तो बैंक डकैतों से इनकाउंटर हुआ था, आमने सामने गोलियां चली थी, मेरे सिपाही का घुटना टूट गया था, हमने उनको मौके पे ही पकड़ा था, गुत्थम गुत्था 1-to-1 हुए थे। उसमें कमिश्नर साहब ने हमें असाधारण कार्य पुरस्कार दे के फुल SHO विजय विहार लगाया था। उसके बाद वहाँ पर इंस्पेक्टर ATS आउटर की पोस्टिंग के दौरान संजय राठी नाम का बदमाश इनकाउंटर करके पकड़ा था। इसके ऊपर 14 केसेस थे और कभी अरेस्ट नहीं हुआ था, दिल्ली का टॉप 10 था और 1 लाख का इनामी था। और फिर कमिश्नर साहब ने मुझे असाधारण कार्य पुरस्कार देकर मुझे SHO बाराखंबा रोड लगाया था और मेरी उसी पोस्टिंग के दौरान SHO बाराखंबा रोड पुलिस स्टेशन एशिया का बेस्ट पुलिस स्टेशन जज किया गया था। ये मेरे उसके इस समय SHO पीरियड तक के वो थे, अचीवमेंट्स थे। उसके बाद ACP पीरियड में मैं ACP ऑपरेशन साउथ था तो उस दौरान हमने वहाँ के जितने भी हार्डकोर क्रिमिनल्स थे उनके खिलाफ एक्शन लेके उनको उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। और पिछले 3 सालों से मैं यहाँ ACP शालीमार बाग सब डिवीजन में को हेड कर रहा हूँ। यहाँ के इस पोस्टिंग के दौरान जनप्रतिनिधियों के द्वारा सारे RWA MWA जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं, इन सारे लोगों को एकजुट करके पुलिस के प्रति उनकी पुलिस की भूमिका और उसमें उनकी वो योगदान को शामिल किया गया है और पुलिस के प्रति विश्वास जागृत किया गया है। सर, फील्ड की पोस्टिंग्स में हम 24/7 ड्यूटी बाउंड रहते हैं, ऐसे में सर कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती है जब हमें घर पे जरूरत होती है, बच्चे का फंक्शन हो या हमारी एनिवर्सरी हो और हमें लेकिन हमें ड्यूटी पर भी अपना योगदान देना होता है, ऐसे में सर आपके अकॉर्डिंग क्या वो मंत्र रहा जिससे आपने एक बैलेंस बनाए रखा अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच में? जब हम लोगों का परिवार पुलिस से जुड़ता है तो पुलिस की जो प्रोफेशनल लिमिटेशंस और प्रोफेशनल एथिक्स हैं वो उसको वो साझा करते हैं। तो हमारे दुख सुख परेशानी, गैर टाइम का आना, गैर टाइम का जाना, बगैर खाने के रहना
और उन सारी तकलीफ़ों को वो लोग भी समझते हैं। तो ऐसे में फैमिली का कंट्रीब्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है हम लोगों के साथ, तो ज़िंदगी हमारी बहुत अच्छी चलती है। और मेरे साथ ही मैं लकी रहा इस मामले में, परिवार का पूरा सहयोग रहा। सर, आपके अकॉर्डिंग पब्लिक और पुलिस रिलेशंस में कितना, किस हद तक सुधार हुआ है या क्या गुंजाइश है अभी? पब्लिक पुलिस रिलेशन में बहुत सुधार हुआ है और टेक्नोलॉजी ने तो हमें बहुत मदद दी है। और पुलिस मित्र बनाना, RW के साथ मीटिंग, MW के साथ मीटिंग, आईज एंड ईयर की मीटिंग, इन चीज़ों ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, हमारी मजबूती को बढ़ाया है। और हमारी समाज की में पुलिस के प्रति जो निष्ठा है, जो आदर है, उसकी भावना को जन्म दिया है। और इसके साथ ही इन्होंने पुलिस के परिवार को बढ़ाया है। तो कोई भी चीज़ जो हमारे नोटिस में आनी चाहिए वो किसी ना किसी चैनल के थ्रू आ जाती है, जैसे हम समाज को और ज़्यादा अच्छी तरह से सुरक्षित कर पाते हैं। सर, आप इस महीने रिटायर होने जा रहे हैं, तो आफ्टर रिटायरमेंट क्या आपने गोल्स हैं, क्या प्लान किया हुआ, सेवानिवृत्ति के बाद की आपका जीवन कैसा है? इसके बाद का जीवन बहुत बढ़िया है, अच्छा है। और असली जीवन तो अब शुरू होगा जहां हम बैलेंस मेंटेन कर पाएंगे प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ का। सर, जो हमारी यंग जनरेशन दिल्ली पुलिस का हिस्सा बनने जा रही है, जो फील्ड में आने वाले जो प्रोबेशनर्स हैं हमारे, उनके लिए आप क्या स्पेसिफिक संदेश देना चाहते हैं? अपनी नौजवान पीढ़ी को लिए बहुत सुंदर संदेश है कि आप जितना जज्बे से काम करेंगे उतना ही आप इसमें कामयाब होंगे। दिल्ली पुलिस में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सीनियर्स, बहुत अच्छे सीनियर ऑफिसर्स हैं, बहुत गाइडेंस है, और ये तो ज्ञान का अथाह भंडार है। जितना आप सीखना चाहेंगे, जितना आप करना चाहेंगे, उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। मेरा संदेश है कि आप मन लगा के काम करिए, दिल्ली पुलिस नाम, पहचान सब कुछ देती है आपको। सर, 34 साल की नौकरी आपकी, उसका मैं यूँ कहूँ तो क्या क्रक्स रहा, कैसे आप उसको एक वर्ड या एक लाइन में आप डिफाइन करना चाहेंगे? उसको मैं एक ही लाइन में कहना चाहूँगा, इज्जत, नाम और पहचान। सर, लास्ट में, प्रोग्राम के अंत में, मैं एज अ फीडबैक आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो सीरीज़ हमने चलाई हुई है डाउन द मेमोरी लेन नाम से, इसके बारे में सर आपकी क्या राय है? वंडरफुल आइडिया है, सीनियर्स को मैं जितना थैंक्स कहूँ वो कम है, ऐसा पहले कभी नहीं था। ये एक बहुत ही नया और एक बहुत ही वेलफेयर माइंडेड आइडिया है, जिसमें हम लोग अपने अनुभव को साझा कर सकते हैं और हमारी नई जनरेशन हमारे से सीख सकती है। और हमारा जीवन के प्रति, डिपार्टमेंट के प्रति हमने क्या पाया और क्या हमारी फीलिंग्स हैं वो हम एक्सप्रेस कर पाते हैं, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसी के साथ सर आज का एपिसोड समाप्त करते हैं। हम आपको आपकी सेकंड इनिंग्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू, हम मिलते रहेंगे हमेशा अभी की तरह। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।